गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, आज हम पढ़ेंगे छोटी ई की मात्रा। इससे पहले हम पढ़ रहे थे आ की मात्रा, यानी आ की मात्रा हमारी कंप्लीट हो चुकी थी। आज हम पढ़ेंगे छोटी ई की मात्रा के शब्द, यानी छोटी ई की मात्रा से शब्द कैसे बनाए जाते हैं। तो सबसे पहले हम देखते हैं, देखिए और समझिए, यानी यहाँ पर चित्र बने हुए हैं, उन्हें देखना है और समझना है। तो सबसे पहले आप देख रहे होंगे कि आपके सामने किताब का चित्र है, यानी पुस्तक का चित्र बना हुआ है। तो किताब को हम कैसे लिखेंगे, क क के ऊपर किसकी मात्रा है, छोटी ई की मात्रा है, तो बन गया की। त त के आगे आ की मात्रा है, तो बन गया ता। फिर ब, तो इनसे मिलकर क्या बना, की ता ब किताब, यानी कि क के ऊपर किसकी मात्रा है, छोटी ई की मात्रा है। और जब इनको टुकड़ों में करेंगे तो क्या है, क के बाद हम छोटी ई की मात्रा लगाएंगे, फिर त, त के बाद आ की मात्रा लगाएंगे, फिर ब, ऐसे लिखते हैं। इसके बाद अगली पिक्चर हम देखते हैं, यानी चित्र देखते हैं सितार का। किसका चित्र बना हुआ है, सितार का। तो बच्चों हम देखते हैं सितार में किसकी मात्रा लगी हुई है, छोटी ई की मात्रा लगी हुई है, जो कि आपको दिखाई दे रही है। स, स के बाद छोटी की मात्रा है, तो बन गया सी। ता, यानी त के आगे आ की मात्रा, बन गया ता। रे, सितार, क्या बना, सितार। इसके बाद हम देखते हैं चिड़िया, किसकी चित्र है, चिड़िया का चित्र है। तो हम देखते हैं बच्चों चिड़िया कैसे लिखा जाता है, ची, यानी चय के ऊपर छोटी की मात्रा, ची। अड़, अड़ाई के ऊपर छोटी की मात्रा, डी। या, यानी ये के आगे आ की मात्रा, तो हमारा शब्द बना चिड़िया, क्या बना, चिड़िया। इसके आगे हम देखते हैं पढ़िए और समझिए, यानी ये तो हमने चित्र देखकर कुछ शब्द समझे हैं। अब इसके बाद हमारे छोटी ई की मात्रा के कुछ शब्द हैं तो जिसे हम पढ़ेंगे। त, त के ऊपर छोटी ई की मात्रा है, तो क्या बन गया, ती। फिर ल, तो बन गया ती ल, तिल। उसके बाद है म, छोटी ई की मात्रा, मी। ल, मिल। ख, ख के ऊपर छोटी की मात्रा है, खी ल, खिल। यानी जो रंगीन चित्रों में, रंगीन लाइनिंग में आपको मात्रा दिखाई दे रही है, रंगीन, तो ये है हमारी मात्रा। आगे है द, द के ऊपर भी छोटी की मात्रा है, बना दिल। छ, छ के आगे व, व के ऊपर छोटी की मात्रा, तो हमारा शब्द बना छवि। इसके बाद हम देखते हैं र, र के ऊपर, सॉरी व, व के ऊपर छोटी की मात्रा, तो बन गया हमारा रवि, क्या बना, रवि। इसके बाद है क, क के बाद व, व के ऊपर छोटी की मात्रा, तो हमारा बन गया कवि, क्या बना, कवि। इसके बाद द, द के ऊपर छोटी की मात्रा, दी। न, दिन। इसके बाद बच्चों हम देखते हैं ग, ग के ऊपर छोटी की मात्रा, गी। न, गिन। आगे प, प के ऊपर भी छोटी की मात्रा है, पी। न, पिन। म, छोटी की मात्रा, ठ, आ की मात्रा, ठा। स, मिठास। अगला है ग, ग के ऊपर छोटी की मात्रा, गी। ल, ल के आगे आ की मात्रा, ला। स, तो हमारा मिलकर बना गिलास। इसके बाद है त, त के ऊपर छोटी की मात्रा, ती। ल, क, तिलक। इसके बाद हम देखते हैं न, न के ऊपर छोटी की मात्रा, नी। क, ट, निकट। इसके बाद मी, यानी मैं के ऊपर छोटी की मात्रा, बन गया मी। न, ट, मिनट। उसके बाद है ट, ट के ऊपर ई की मात्रा, टी। क, ट, टिकट। इसके बाद बच्चों हम देखते हैं
कुछ हमारे शब्द और दिए हुए हैं जो हमें बोल बोल कर पढ़ने हैं। क्या करना है? बोल बोल कर पढ़ना है। पहला है हमारा अनिल, अनिल यानी रंगीन जो मात्राएं हैं वो हमारी छोटी ई की मात्राएं हैं। अनिल, दिन दिन, निकल निकल, आया अनिल दिन निकल आया। अब उठ जा, अब उठ जा, तकिया उठाकर रख, यह किताब इधर रख। आगे हैं विकास चलकर अब पढ़, अनिल चिड़िया मत पकड़, जाकर एक गिलास ला, गिलास में बर्फ रख, वाह बर्फ पिघल गया, कल रविवार था, रवि कल पिकनिक, पिकनिक पर देख रहे हो आप, दो मात्राएं, दोनों किसकी हैं? छोटी की मात्राएं। पिकनिक पर जा, पिकनिक पर गया था, यानी ये हमें क्या करना है? बोल बोल कर पढ़ना है। तो बच्चों आज का आपका होमवर्क है, यानी आपका HW है, छोटी ई की मात्रा के 10 शब्द आपको अपनी फेयर नोटबुक में लिखना है। क्या करना है? ये जो भी आप इसमें देख रहे हो बुक के अंदर, ये आपको पढ़ना है और समझना है, और अपनी फेयर नोटबुक में 10 शब्द छोटी ई की मात्रा के लिखने हैं। धन्यवाद।